नमस्कार गाइस, मैं हूँ दिगंत दास। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं आप लोगों को बहुत ही एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। जी, मेरा टिकट कंफर्म हो गया दिल्ली के लिए। मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी से दिल्ली, और ये कोई ऐसा वैसा टिकट नहीं है। इसके लिए, इस टिकट के लिए मुझे एक रुपया भी पे करना नहीं पड़ा। सब कुछ फ्री है, खाना, होटल, सब कुछ फ्री है। क्योंकि दोस्तों, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग में, एयरपोर्ट की जॉब्स की ट्रेनिंग में। तो सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल मैं उसी ट्रेनिंग के लिए अभी जा रहा हूँ शॉपिंग करने। पहले आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखा दूंगा, मैं क्या क्या खरीदता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा, कौन सी टिकट मिला, क्यों मिला, क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहले अभी शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग पहुंच गए मॉल में, अभी बाइक पार्किंग कर लिया। तो अभी मेरे साथ है ये फुकंडा, सो इसके साथ अभी मैं शॉपिंग करने वाला हूँ। क्या क्या, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है खरीदने के लिए। बस फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, इसलिए कुछ शू, परफ्यूम, टी शर्ट, बैग, ऐसा कुछ देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं, कुछ वैसा कुछ खरीदना है। तो पहले आ गया हम मॉल में, तो पहले तो मुझे एक बैग चाहिए, बैग ढूंढ रहा हूँ। तो गाइस, अभी देख रहे हो हम आगे मॉल में। ये एक हमारे एरिया का ही मॉल है गुवाहाटी में। सो फिलहाल अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये गाइस, बैग मिल गया, ये पसंद आ गया, तो ये बैग ले लेता हूँ मैं। और बैग के साथ साथ अभी मुझे एक चाहिए अच्छा सा एक टी शर्ट। तो अभी चलो टी शर्ट ढूंढने जाते हैं। ये मुझे मिल गया टी शर्ट, ये सर्दी के मौसम के लिए चाहिए। अब दिल्ली में सुना है बहुत सर्दी। सो इसका कलर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। सो ये हो गया, अभी पेन देख रहे हैं। तो इसको, इस फुकंडा को पेन चाहिए। सो उन्होंने पेन देख रहा है, तो मैं वो एक लेना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, पेन अभी फ़िलहाल मेरे पास है। अभी हमको चाहिए परफ्यूम। सो यहाँ पर परफ्यूम देख रहे हैं, पर सब कुछ लेडी का है, तो परफ्यूम तो बाहर से लेना पड़ेगा। तो परफ्यूम कैंसिल यहाँ से। सो नेक्स्ट, अभी हम आगे काउंटर पे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो, कुछ ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, बस इतना ही है। बस अभी हम थोड़ा सा शॉपिंग हो गया, अभी हम निकल गया यहाँ से। सो अभी निकलने के बाद अभी छोटे एक दो दुकान में और भी जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखते हैं रास्ते में अगर कोई दुकान मिल गया वैसा कुछ, तो हम वहाँ से कुछ लेंगे। और उसके बाद असली चीज़, जब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, फ्लाइट के बारे में भी बताना है, मुझे टिकट क्यों फ्री मिला, एक भी रुपया मुझे कंपनी को पे नहीं, मतलब कि एयरलाइन को पे नहीं करना पड़ेगा। सो सब कुछ बताएंगे। सो गाइस, अभी हम आ गए घर में, सारा शॉपिंग कुछ हो गया। सो अभी मैं पैकिंग करने वाला हूँ, तो सारा चीज मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये जो नया बैग है इसमें डाल देता हूँ। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, मैं अभी एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ, एक छोटा मोटा सा जॉब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो उसी के लिए मुझे कंपनी, हमारे जो स्पाइसजेट कंपनी है, मुझे ट्रेनिंग भेज रहे हो, ताकि मैं अच्छे से ट्रेन होके आऊँ और आके
एक मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। सो दिल्ली वहाँ मेरे कंपनी के मेरा जो हेड ऑफिस है वहाँ जाऊँगा ट्रेनिंग सेंटर में। सो ये देखिए गाइस, मेरा जो जीजा है वो मुझे हेल्प करने आ गया। तो जो भी हो, ये आउट ऑफ सिलेबस का बात बोल दिया। तो अभी आते हैं मेन बात पे। तो मैं अभी उसी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो ट्रेनिंग आई होप सब कुछ अच्छा होगा, और ये मेरा फास्ट फ्लाइट होने जा रहा है, तो आई होप सब अच्छा होगा। तो ट्रेनिंग का भी वीडियो आपको मिलेगा, फ्लाइट का भी वीडियो मिलेगा, दिल्ली का भी वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो आप लोग तो मेरे जो प्रोजेक्ट के वीडियो देखते ही रहते हो, तो मैं आई होप ये सारे वीडियो भी आप लोग देखेंगे। प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी बहुत सारे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है, बहुत प्रोजेक्ट दिखाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी मेरा पैकिंग भी हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो फर्स्ट प्राइज एक्सपीरियंस है वो सारे चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए।